हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज क्लास नाइन्थ का सर्किल चैप्टर का जो है वृत्त चैप्टर का ये थ्योरम लेकर आए हैं। ये थ्योरम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्योमेट्रिकल जितना भी हम लोग प्रश्न बनाते हैं उन सभी में जो यदि इस थ्योरम का ज्ञान रहता है, नॉलेज रहता है, तो प्रश्न को जो है हम आसानी से डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं। एंगल सब जो है फाइंड करने के लिए मिलता है, एंगल सब निकालने के लिए तो आराम से निकाल लेते हैं। कौन सब देखिए, थ्योरम जो आपका है, थ्योरम कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा बची परिधि पर भी बिंदु परिधि पर किसी भी बिंदु पर बना कोण के दुगुना होता है। किसी भी बिंदु पर जो बनेगा, अभी हम फिगर बनाते हैं, आप देखिए कि किसी वृत्त में, तो पहले आप जो है चाप की सहायता से क्या बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए। ये आपका वृत्त बन गया। वृत्त बनने के बाद जो है कह रहा है कि वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर, चाप आप अपने मन से कोई भी डिस्टेंस का ले लीजिए। यहां से जो आपका केंद्र है, यहां से कुछ भी दूरी का एक चाप ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, हम यहाँ से जो है चाप यहाँ से लिए एक, और एक जो है यहाँ से यहाँ तक का लिए, इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं हम। ये दोनों बिंदु को मिला दिए, जितना भी ले अपना मन है और बड़ा ले सकते हैं। हम नाम दे दिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए ए और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी। यहाँ से अब जो है देखिए, यहाँ कुछ नहीं, कुछ ना कुछ कोण बना ए ओ बी। ये जो कोण बना है, ये जो कोण होगा अब इसी पर चाप पर, मतलब ये जो चाप है इसी चाप पर, इधर जो अब परिधि बचा है इसमें जो है, इसमें किसी भी बिंदु पर जो यहाँ से और यहाँ से मिलके एंगल यहाँ बनेगा, इसी परिधि पर कहीं भी किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ से हम मिला दिए इस बिंदु पर और यहां से मिला दिए उसी बिंदु पर, तो ये जो यहां पे कोण बना, एक बिंदु यहां पे हम कुछ मान लिए ए बी हो गया, तो इसको मान लेते हैं हम सी बिंदु। ये सी बिंदु जो हुआ, तो ए सी बी, ये जो कोण आपका बना, ये कोण जो होता है इस कोण का आधा होता है, और ये कोण जो होता है इस कोण का दुगुना होता है। तो आपको जो है क्या करना है, यही सिद्ध करना है। देखिए आपको इसमें जो सिद्ध करना है कि यह कोण जो है इस कोण का दुगुना, ये सिद्ध करना है। तो देखिए कोण आपका क्या है, ए सी बी, सिद्ध करना है कि कोण ए सी बी, ये कौन कौन हो गया ए सी बी, जो बीच में रहता है वही कौन होता है, ये कौन हो गया, यह जो है दुगुना होगा, यह दुगुना होगा, किस कौन के बराबर होगा, दुगुना इस कौन के, ए ओ बी, कौन ए ओ बी। हमको सिद्ध करना है कि कौन ए ओ बी बराबर जो है दुगुना होगा कौन ए सी बी, मतलब ये सी कौन। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कौन सी, मतलब कौन ओ, अरे यहाँ ले लेते, अभी केवल यही कौन की बात हो रहा है, तो यहाँ कौन ओ बराबर ये कौन जो दो गुना जो है कौन सी होगा। तो इसको हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, अब हमको इसको सिद्ध करना है। तो इसमें पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि ए ओ और ओ बी यह जो है एक त्रिज्या ही है, क्योंकि केंद्र से ही वृत्त के किसी भी बिंदु पर परिधि पर त्रिज्या होती है। देखिए हमको जो है पहले इसमें कुछ रचना करना पड़ता है, रचना करना होता है। तो रचना जो इसमें करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ से रचना में ए से बी बिंदु को मिला देंगे, ए से बी बिंदु मिला दिए और सी से ओ होते हुए इस यहाँ मिलाना है।
केंद्र से ये रचना कर रहे हैं, तो रचना में आप लिखिएगा कि ए को बी से, ए को बी से तथा सी को ओ से होते हुए यहाँ इस बिंदु का भी नाम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए कि डी तक मिलाया, सी को ओ से होते हुए डी तक बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। अब जो है हम यहाँ पे जो है एक बात को जानेंगे कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है दो सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिभुज के, अभी आपको हम फिगर से बताएंगे कि त्रिभुज के बाह्य कोण जो है, बाह्य कोण दो सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है। जैसे देखिए आपको हम दिखाते हैं कैसे बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण दो सम्मुख कोण अंतः कोण के योग के बराबर होता है। देखिए कैसे होता है। आपको जो है पहले लेना है त्रिभुज बी ओ डी, ये जो त्रिभुज बना बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी, आप ध्यान से देखिए त्रिभुज कौन सा लिए हैं। ये त्रिभुज लिए हैं, बी से आ जाएंगे ओ पे, ओ से आ जाएंगे यहाँ, तो यहाँ डी पर त्रिभुज बी ओ डी। ये त्रिभुज लिए इसमें आप देखिए कि इस त्रिभुज में जो है कौन सा कोण, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो आप देखिए त्रिभुज बी ओ डी में आपका ले लिए त्रिभुज बी ओ डी में जो है आपका ये जो कोण है, त्रिभुज बी ओ डी में कोण बी ओ डी मतलब हम इस कोण की बात कर रहे हैं, यहां से इस कोण की बात कर रहे हैं, तो कोण बी ओ डी जो होगा बराबर होगा किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज का बाह्य कोण, इस त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा होगा। देखिए इस भुजा को जब हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, तो आपका जो है इस भुजा का आगे बढ़ाए तो इसका बाह्य कोण जो है इसका सम्मुख कोण, यहाँ सम्मुख कोण एक ये हो गया, एक ये और दूसरा हो गया ये, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन 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 हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा ओ बी सी, मतलब कि इस कोण की बात होगा, कोण ओ बी सी प्लस कोण हो जाएगा फिर ये सी कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी। इस तरह से आपका कोण बी ओ डी जो हो गया, कोण बी ओ डी, ये जो आंतरिक कोण इस त्रिभुज लिए हम, इसका आंतरिक कोण जो होगा इसका, ये जो कोण ओ है इसका सम्मुख कोण ये हो गया और ये हो गया, इस इन दोनों के योग के बराबर ये कोण होता है। तो ये आपका हो गया, तो इसको हम मान लिए समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए? समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार से जो है त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी इसमें जो है आपको त्रिभुज ए ओ डी में आपका जो ये कोण होगा, ये कोण, ये तो ये जो है आंतरिक कोण हो गया, अब बाह्य कोण इसका हो जाएगा ये, जैसे इसका सम्मुख कोण एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये मतलब ये एक त्रिभुज बना है, तो इसमें जो है इस त्रिभुज का बाह्य कोण ये और ये कोण योग जो है इस कोण के बराबर होगा। तो आपका त्रिभुज ए ओ डी में जो हो जाएगा कोण ए ओ डी बराबर जो हो जाएगा आपका ये कौन हो जाएगा, ये कौन और ये कौन का योग हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा ओ ए सी,
कौन ए ओ ए सी प्लस कौन हो जाएगा ओ सी ए, ओ सी ए, ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड, मतलब समीकरण दो मान लिए इसको हम। अब जो है आप देखिए कि ये जो है ए ओ और ओ बी और ओ सी, ये तीनों एक केंद्र से जो है परिधि में टच हुआ है, ये तीनों त्रिज्या होगा वृत्त का, तो त्रिज्या आपस में बराबर होता है, तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हम लिख सकते हैं। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, चूंकि ये तीनों जो है वृत्त की त्रिज्या है, क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ये तीनों क्या है वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद आप देखिए जब ये तीनों बराबर हो गया, ये भुजा और ये भुजा, तो आप देखिए ये भुजा जो बराबर हुआ इस भुजा के, तो इसका मतलब कि ये कोण बराबर ये कोण आपस में हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो गया, क्योंकि जो भुजा बराबर होता है उसका सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होता है। मैंने मान लीजिए ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो अब इस ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने ये कोण इसके सामने ये कोण बराबर होगा। इस प्रकार से आपका जो हो जाता है त्रिभुज इसमें सी ओ सी ओ ए में, इसमें जो है कौन ओ ए सी, कौन ओ ए सी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कौन ओ सी ए के, कौन ओ सी ए के बराबर हो जाएगा। जब ये भुजा बराबर रहती है, कौन ये कौन बराबर हो गया, इसको हम मान लिए समीकरण थर्ड। और उसी प्रकार से जो है त्रिभुज सी ओ ए बी में, त्रिभुज सी ओ बी में आपका जो है जब ये भुजा बराबर है, तो आपका ये सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो ओ बी सी देखिए कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी बराबर हो गया कोण ओ सी ए, मतलब कि ये कोण बराबर हो गया इस कोण के, ये समीकरण तीन मान लिए। उसी प्रकार से त्रिभुज सी ओ बी में कोण ये जो बी है बराबर हो गया कोण सी के, क्योंकि ये भुजा बराबर ये भुजा है, इसीलिए ये कोण बराबर ये कोण हो गया। तो यहाँ हम लिखे कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी लिखे हैं ये। अब जो है हम जो है यही कोण ओ बी सी का मान, ये जो कोण ओ सी बी है, यही समीकरण जो है एक में मान रखना है। समीकरण एक में कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी रखने पर, ये रखने पर समीकरण एक में कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी रखने पर, तो देखिए हम जो इतना बराबर क्या रखेंगे, इतना रखेंगे। समीकरण एक मेरा क्या है, समीकरण एक जो मेरा है कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी, कोण ओ बी सी के बराबर कोण ओ सी बी रखेंगे, तो हमको यहाँ पे देखिए क्या मिलता है, कोण बी ओ डी बराबर कोण ओ सी बी, क्योंकि इतना बराबर इतना है, देखिए कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी है, तो वही इसकी जगह पे ये रखे हैं प्लस, ये आपका समीकरण से ही है ओ सी बी ये, तो आप जो है ये देखिए दोनों सेम है जुटेगा, तो कोण बी ओ डी बराबर टू कोण ओ सी बी, इसको आप समीकरण मान लीजिए। यहाँ चार माने हैं समीकरण, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण पांच। उसी प्रकार से समीकरण दो में कोण, समीकरण दो जो है उसमें कोण ए ओ सी बराबर कोण ओ सी ए रखने पर, ओ ए सी बराबर कोण ओ सी ए रखने पर, मतलब कौन ओ सी ओ ए सी बराबर कौन ओ सी ए रखना है। देखिए आपका समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड आपका है कौन ए ओ डी,
कोण ए ओ डी बराबर कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ सी। आपका समीकरण सेकंड जो है कोण ए ओ डी बराबर कोण ए ओ ए सी प्लस कोण ओ सी ए, ये आपका ओ सी ए है, ओ सी ए कोण ओ सी ए प्लस ये हो गया कोण ओ सी ए, ये आपका जो है दोनों समान हो गया। अब कोण ए ओ डी बराबर जो आपका हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा समान है तो टू कोण ओ सी ए, टू कोण ओ सी ए। इस प्रकार से जो है इसको हम समीकरण मान लेते हैं छ। अब जो है समीकरण पाँच और छ को जोड़ने पर समीकरण पाँच तथा छ को जोड़ने पर, तो पाँच समीकरण पाँच और छ को जोड़िए, तो देखिए बराबर के बयां वाला भाग को अलग जोड़ दीजिए, बयां वाला भाग को बयां वाला के साथ, दयां वाला भाग को दयां वाला के साथ, तो हो जाएगा कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी प्लस कोण ये आपको हो जाएगा ए ओ डी बराबर। अब दयां भाग क्या है, यहाँ दयां भाग है कोण टू कोण ओ सी बी, टू कोण ओ सी बी प्लस टू कोण ये टू कोण ओ सी ए, समीकरण छ ये रहा ओ सी ए। अब देखिए दोनों में दो कॉमन है, दो बाहर ले लेंगे, ये देखिए कोण बी ओ डी जोड़ कोण ए ओ डी, कोण बी ओ डी देखिए कोण कहाँ है बी ओ डी, बी ओ डी जोर कोण ए ओ डी, मतलब ये कोण जोड़ ये कोण, ये पूरा कोण हो जाएगा, तो पूरा कोण क्या नाम है ए ओ डी, तो नाम हो जाएगा कोण। समीकरण पाँच तथा छ को जोड़ने पर समीकरण पाँच जो आपका है कोण बी ओ डी बराबर टू कोण ओ सी बी, और समीकरण छः जो है कोण ए ओ डी बराबर टू कोण ओ सी ए। देखिए समीकरण पाँच का बायां भाग जोड़ेंगे, समीकरण छः का बायां भाग जोड़ेंगे, समीकरण पाँच का बायां भाग है कोण बी ओ डी जोर कोण ए ओ सी बराबर टू कोण ओ सी बी जोर टू कोण ओ सी ए। अब जो है यहाँ पे ये दोनों जब जोड़ते हैं कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी मतलब ये कोण जोर कोण ए ओ डी मतलब ये कोण, दोनों कोण जब जोड़ेंगे तो पूरा कोण बनेगा ए ओ बी, ये पूरा कोण हो जाएगा ए ओ बी बराबर। यहाँ दोनों में दो है, दोनों में दो है तो दो कॉमन आ गया, तो आपका बच जाएगा कोण ओ सी बी जोर कोण ओ सी ए। अब जो है कोण ओ सी बी जोर ओ सी ए, कोण ओ सी बी मतलब ये कोण आधा और जोर ओ सी ए मतलब ये कोण, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा, तो ये पूरा कोण का नाम हो जाएगा कोण ए सी बी, तो हो जाएगा टू कोण ए सी बी। इधर बराबर किस पर हो गया कोण ए ओ बी मतलब कोण ए ओ बी जो हो गया ए ओ बी मतलब ये कोण बराबर हो गया दुगुना ऑफ, किसका दुगुना है, दुगुना है कोण ए सी बी मतलब इस कोण का दुगुना ये कोण होता है, तो प्रूव मेरा हो गया। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।